हेलो एवरीवन, आई होप दैट एवरीवन इज डूइंग ग्रेट अमेजिंग, बिकॉज रिजल्ट्स आ चुके हैं और वो जो एंटिसिपेशन है कि डीवी कब स्टार्ट होगी एंड एवरीथिंग, आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज विद इन फ्यू डेज लाइक 5th of June हमारी डीवी एंड ज्वाइनिंग डेट है. सो इट्स बिन ऑलमोस्ट 1 ईयर. आई विल टॉक अबाउट इट, हाउ माई एक्सपीरियंस हैज़ बीन सो फार. एंड बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट किया था कि इज इट वर्थ इट. इन अ नटशेल, यप, इट एब्सोल्युटली इज. बट आई विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल. बट अभी बात कर लेते हैं कि जो 2023 का जो बैच है उनका डीवी, उनका कॉल लेटर एंड एवरीथिंग कब तक के आएगा. सो दिस इज़ माई लास्ट डे एट ट्रेनिंग सेंटर भोपाल, CBOTC भोपाल. एंड जहाँ तक के आई नो, मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज अभी 4th of June को रिजल्ट आने वाले हैं, उसके पहले तो कुछ भी नहीं होने वाला. नो, नथिंग, नथिंग इज गोइंग टू बी ऑन द स्लेट. एक बार इलेक्शंस के रिजल्ट आ जाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है मिड जून या फिर एंड ऑफ जून में आपको फर्स्ट बैच, सेकेंड बैच, थर्ड बैच ऐसे करके आपको आपके डीवी के लेटर्स आने शुरू हो जाएंगे, कॉल लेटर्स आने शुरू हो जाएंगे. एंड मोस्ट प्रोबेबली यू विल रिसीव इट थ्रू एक्चुअल पोस्ट वाला मेल. तो बी कॉशियस अबाउट इट और कोशिश करना अगर आप के जनरली ऐसा होता नहीं है, बट जस्ट इन केस, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड, आप अपने पोस्टमैन, पोस्ट ऑफिस जो आपका नियरेस्ट है वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करते रहना कि अगर ऐसा कोई लेटर आया हो तो आप मुझे बता दो. एंड यू नो, लाइक एवरी संडे आप एक बार पूछ सकते हो. और जब भी आपको कॉल लेटर आएगा उसके 15 से 20 दिन बाद ही आपको DV के लिए बुलाया जाएगा. एंड मोस्ट प्रोबेबली जैसे हमारा लास्ट टाइम हुआ था, द सेम डे DV हुई और उसी दिन हमारी ज्वाइनिंग डेट थी. तो मोस्ट प्रोबेबली आपके साथ भी वैसा होने वाला है. एंड द मैक्सिमम इट्स गोना बी, मतलब जो डिले हो सकता है वो मुझे लगता है कि जून एंड हो सकता है. बिफोर जुलाई आपको फर्स्ट बैच तो बुला ही लिया जाएगा. एंड मोस्ट प्रोबेबली, लाइक मोस्ट प्रोबेबली इफ इट्स नॉट गोइंग टू बी, तो अच्छी चीज़ होगी. बिकॉज लाइक हमने प्रॉपर लाइक वो CBOTC भोपाल, SPBTC एंड कोलकाता वाला जो हमारा है वो बैचेज हैं और वो 150-200 बच्चे आपस में इंटरेक्ट करते हैं. सो इट्स अ ग्रेट थिंग. बट मोस्ट प्रोबेबली अभी ऐसा है कि आपके जो नियरेस्ट RO और ZO हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपकी ट्रेनिंग वहीं पे हो जाएगी और फिर वहीं से आपको पोस्टिंग्स दे दी जाएंगी. तो जो मेजर लोगों के कंसर्न थे कि मेरा पहला पोस्टिंग कहाँ होगा, मेरा सेकंड पोस्टिंग कहाँ हो सकता है, ऐसा वैसा जो मेजर कंसर्न्स थे, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे. ट्रेनिंग कॉलेजेस का लोगों का था कि इतना दूर जाना पड़ सकता है क्या मुझे कहाँ, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके जो ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं वो आपका नियरेस्ट RO या ZO होगा. मोस्ट प्रोबेबली दिस इज नॉट एब्सोल्युटली 100% गोइंग टू बी ट्रू, बट मोस्ट प्रोबेबली वही होने वाला है. एंड क्योंकि जब आप RO ZO में डिस्ट्रीब्यूट हो जाओगे, इट्स ईजियर फॉर देम टू अकोमोडेट यू, ट्रेन यू और एट द सेम टाइम गिव यू पोस्टिंग्स. तो मोस्ट प्रोबेबली जो 2000 का बैच है आपका, वो बैचेस में नहीं जाएगा, वो एक बार में सबकी बैच, मतलब सारे बैचेस, मतलब सारे बच्चे एक ही बैच में एक ही बार में ट्रेनिंग करके निकल लेंगे. बैड पार्ट वुड बी कि आप एक दूसरे से मिल नहीं पाओगे कि लाइक इस RO का बच्चा उस RO से मिल पाया, और लाइक क्योंकि लाइक डिफरेंट स्टेट्स, लॉट ऑफ वर्सेटैलिटीज हियर, तो वो वाली चीज़ नहीं हो पाएगी आपके साथ, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग इन माई ओपिनियन. ऐसा होता है अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है CBOTC आने की एंड एवरीथिंग, इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. RO में होता है तो लॉट ऑफ पीपल जिनको होम सिकनेस वाली चीज़ है कि यहीं पे रह जाऊँ मैं, यहीं मेरी ट्रेनिंग हो, मेरी यहीं पोस्टिंग हो, क्योंकि अगर आपकी सेम RO में ट्रेनिंग, पोस्टिंग्स हो, ट्रेनिंग होगी तो पोस्टिंग्स भी मोस्ट प्रोबेबली सेम RO में ही हो जाएगी. तो उनके लिए इट्स अ गुड थिंग, बाकी के लिए नॉट सो गुड. बट दैट इज इन अ नटशेल हाउ द स्केड्यूल इज गोइंग टू बी. आई होप यू गाइज आर डूइंग अमेजिंग. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल इन एवरी सॉर्ट ऑफ वे, बिकॉज लगातार आप पूछ रहे थे कि कैसे होगा, कब होगा, एवरीथिंग. एंड ऑन दैट नोट आई एम गोना गो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.